लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। डबल डेकर फुल लग्जरी, देखना इसको, ये स्कूटी है। और सच बता रहा हूँ, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। ऐसा साइज देख रहे हो इनका, साइन कराए जा रहे हैं। आप अपनी मौत के अपनी जुम्मेवार खुद हो। गुस्सा कर रहा है भाई, गुस्सा कर रहा है। सच्ची में पटरी है यार, सच्ची में बंगाली टाइगर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टू पीपल्स भाई, रोज के दो आदमी चबा जाती है। ये अपना भाई मोती है, मोती जो पटाया थाईलैंड में है। भाई गुस्से में भूत भी दिया इसे। So guys, good morning from Pattaya. बहुत ही मजा आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी आ रहा हो। नहीं आ रहा तो भैया चेक करो व्लॉग्स, वाकई में मजा आ जाएगा। आज आपने जो थंबनेल देख लिया भाई साहब, सच में लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। शायद जो लोग यहाँ आए हैं या ऐसी जगहों पे आए हैं, उन्होंने किया होगा, और कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा कमेंट में जरूर करना। हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे बड़े टाइगर पार्क में, छोटे से लेके बड़े तक सारे तरह के टाइगर। और सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल अभी से धक धक करने लग गया है। एक बड़ा सा कुत्ता देख लो ना आप, उसके पास खड़े होकर डर लगता है भैया काट ना रहे। और भैया हम जा रहे हैं टाइगर के पास भाई साहब, टाइगर, उसको छूना। पूरे 10 मिनट हम उसके पिंजरे में, उसके इलाके में रहने वाले हैं। क्या होने वाला भैया मुझे नहीं मालूम, पर जो भी एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आपके साथ शेयर करने वाले। ये आपकी सेकंड स्ट्रीट है, उसी के ऊपर ही अपना होटल है, नीचे इंडियन रेस्टोरेंट, और ये जो होटल भी है ये भी किसी इंडियन का है। बसे देख रहे भाई साहब, डबल डेकर फुल लग्जरी। कमेंट करके बताना आपने थाईलैंड के अलावा ऐसी बस देखी है कहीं और। टाइगर पार्क यहाँ से 13 किलोमीटर है, टैक्सी ले रही है 200 बाट, 200 बाट होता है अराउंड 500 रुपए। हम नहीं देने वाले। वियतनाम के अंदर बुरी तरह तरस गए थे, यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट का भरमार है, तो हमने मंगा लिया परौंठे, और यहाँ सामने पूरी छोले मिल रहे हैं, वो कल ट्राई करेंगे। और मैंने यहाँ कचौड़ी भी खाई, समोसे, मतलब हर एक चीज़ यहाँ मिल जाती है। वैसे परौंठा खा के तो आ गया मज़ा, अब चैलेंज ये है कि भैया हमें पहुँचना है लोकल ट्रांसपोर्टेशन से टाइगर पार्क तक। मेन जो स्ट्रीट है ना वो वहाँ तक जाना है, उसके बाद उसी रोड के ऊपर ही है। तो भाई यहाँ पे टुक टुक का मजा ही कुछ और है, 10 पार्ट 2, कहीं भी चढ़ जाओ कहीं भी उतर जाओ। तो बैठ गए यहाँ के टुक टुक में, यहाँ पे ऑटो को टुक टुक कहते हैं। और यहाँ का जो ऑटो है ना, ये वाली बड़ी वाली गाड़ी होती है इसुजुकी, ये पीछे ये बना रखा है। कम से कम तो एक बारी में 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं, इवन यहाँ खड़े होने की जगह भी है। और सच बता रहा हूँ, वेदर इतना बढ़िया है एज कम्पेयर भैया जी वियतनाम से, लाख गुना अच्छा है। एक से बढ़कर एक गाड़ियां मिलती है यहाँ, अच्छे खासे अमीर लोग हैं यहाँ। एक से बढ़कर एक बाइक है, देखना इसको, ये स्कूटी है, मस्त बाइक थी इसकी, स्कूटी वूटी। क्रॉस करके चल रहे हैं उस साइड, और ये यहाँ पे किक बॉक्सिंग वगैरह ना वो सिस्टम चलता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट आपको ना हर जगह पे यहाँ के राजा की फोटो नजर आ जाएगी आपको। अब यहाँ से एक और टुक टुक लेना है, और इसी रोड के ऊपर है अपना, अभी एक टुक टुक और मिल गया है, यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर है। उम्मीद है कि ये सिंगल वे में ले जाए, दोबारा चेंज ना करना पड़े। हम यहाँ 40 बार पे पहुँच गए, 2 टुक टुक चेंज करे और यहाँ पहुँच गए। फ्लोटिंग मार्केट और यहाँ पे आपका टाइगर पार्क जो है वो साथ साथ है। जो हमारे पीछे देख रहे हो फ्लोटिंग मार्केट, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। फ्लोटिंग मार्केट बैंकॉक के अंदर भी है, वो जेन्युइन वाली है, नेचुरल, और ये फ्लोटिंग मार्केट टूरिस्ट के लिए बनाई गई है। तो फिलहाल हमारी टिकट जो है वो टाइगर पार्क की है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टाइम बचा तो यहाँ आएंगे। वैसे तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता वहाँ पे टाइगर पार्क में, सिर्फ 10 मिनट देते हैं, पर 10 मिनट के लिए जो आगे स्लॉट लगे होते हैं ना, यानी ग्रुप लगे होते हैं, वहाँ नंबर आना चाहिए। मौसम वैसे जब से आए तब से अच्छा ही है। और यहाँ पे यार हार्ले डेविडसन का भी शोरूम है, रैम का भी शोरूम है। पीछे आप मेरे देख रहे हो भैया, फाइनली हम पहुँच गए टाइगर पार्क। और सच बता रहा हूँ, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई है, क्या होने वाला मुझे नहीं पता। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, शेर को आमने सामने देखने वाला हूँ भाई साहब। ये आपको वैसे फुकट के अंदर भी मिल जाएगा, बैंकॉक के अंदर पहले था टाइगर टेम्पल के नाम से, अब वहाँ नहीं है। टिकट हमने बुक कर ली थी ऑलरेडी क्लॉक ऐप से, वहाँ से क्यों करी है, एज कम्पेयर जहाँ भी आप जाओ ना वहाँ से टिकट यहाँ पे सस्ती मिल जाती है, इसीलिए पहले टिकट निकलवानी पड़ेगी। जहाँ गुस्से में नहीं है, सामने टाइगर दिखने शुरू हो गए। ये देखो यार, सामने एंटर करते हैं यहाँ पे, सामने शेर, और ये देखो भैया नीचे, ऐसा साइज देख रहे हो इनका, पता नहीं क्या होने वाला है। तो भैया अगर आप यहाँ आकर डायरेक्टली टिकट लेते हो तो भैया नॉर्मली बड़े टाइगर का है 650, स्मॉल वाले का 550, और फिर स्मॉलेस्ट टाइगर का है 650। और ये रही फोटो का सारी, भाई साहब यहाँ साइन कराए जा रहे हैं, आप अपनी मौत के अपनी जुम्मेवार खुद हो, अगर शेर ने पकड़ लिया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे 40 मिनट की वेटिंग है, तब तक इनका वेटिंग रूम है, और आसपास सारी जगह शेर ही शेर है, जहाँ भी आप घुमा के देख लो। इसमें करंट है, शेर बाहर ना आ जाए, देखो ये भी शेर है, वो मस्ती कर रहा है भाई, देखो भी देखो इनको। जो टाइगर का इन्होंने जू बना रखा ना, बहुत छोटा है, और टाइगर्स को ना पानी से खेलना है, पानी में रहना बहुत पसंद है, तो उनके लिए स्पेशली पूल तक बना रखे इन लोगों ने। पर जो एरिया है ना बहुत ही कम है यार, ये छोटा ही है मेरे ख्याल से, 1 साल के आसपास का ही है। जो नॉर्मल शेर जो उधर साइड देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट डबल साइज का, ये 4 या 5 साल का होगा कम से कम, ये पूरा बिग साइज टाइगर है यार। हाँ तुझे देख रहा, आ जा बेटा तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। कायदे से तो शेर वैसे इतना ऊंचा उछल सकता है, और इवन पेड़ से चढ़ के भी छलांग मार सकता है, पता नहीं क्या ही चक्कर है, ये पेड़ इतने बड़े बड़े बीच में दे रखे हैं इन्होंने। अगर चाहे तो यहाँ पेड़ पे चढ़े और छलांग मार के इधर आ जाए।
ये रिस्की मामला नहीं है भाई। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, खासकर बोलना नहीं है शेर के आगे, शेर को ज़्यादा खुजली नहीं करनी। फैमिली साथ ना, बच्चे तो बिल्कुल नहीं आ रहे, कैमरा अलाउ नहीं है, चप्पल जूते जो टक टक करते हैं आवाज़ें वो अलाउ नहीं है, और छाता वाता बैग वैग अलाउ नहीं है। ये छोटे छोटे ये रहा नीचे, कितना प्यारा लग रहा है यार। हाँ शेर ही शेर है भाई साहब, ये देखो ये सो रहा है, इधर ये बैठे भाई साहब, बिग वाला इधर है, हमें इधर जाना है, यहाँ भी छोटे बच्चे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है लार्ज को लेके पंगा ले लिया, वैसे कि मीडियम वाले कर लेना चाहिए था, सबसे बड़ा है भाई, फुल एक्टिव लग रहा है, ऐसे सामने से घूर रहा है। चंद्र को तो अभी घूर रहा था भाई, तो अंदर आ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है इनके खाने में कुछ मिलाते हैं, सुस्त कर रखा है, ध्यान ना दे, पर वो लार्ज वाला कुछ ज्यादा एक्टिव है भाई। बैग हमने रखवा दिया है, अब चल रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है भाई। टाइम आ गया अंदर जाने का, और लिटरली फट रही है भाई, बुरा हाल हो रहा है। बड़े वाला शेर है भाई साहब, शेर के सामने जा रहे हैं, शेर घूर रहा है भाई साहब, शेर ऐसे घूर रहा है हमें बिहाइंड, शेर के पीछे जाने को कह रहे हैं। बस 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 बस, मेरी तो फट रही है भाई, फट रही है भाई साहब, गुस्सा कर, बैठ जा मत कर, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है भाई, गुस्सा कर रहा है। ना 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 ना, ओके भाई, गुस्सा कर रहा है, बात जा रहा है, गलत 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 पंगा ले लिया, डर ही लग रहा है, इसकी तबीयत खराब है क्या? अभी तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो गया ही नहीं, चंद्र को देख के मेरी हालत खराब हो गई है। इसको को दूसरे आले में डाल दे भाई, ये देखो भाई साहब, हमारी तो फट रही है बहुत तगड़ी वाली, ये शेर आगे आगे भगा रहा है, आज हमारी किस्मत ही खराब है भाई। अब मैं गलत शेर में फंसा दिया यार भाई, उसको मारी जा रहा है, सारी कुंद कंपेना निकाल दे भाई साहब, हमारी तो फट रही है बहुत तगड़ी वाली, फट रही है, हमारे ऊपर अटैक ना कर दे भाई, डर लग रहा है बहुत, गंदे वाला बुरे हाल हो रहे हैं भाई, छुपे पड़ रहे हैं। देखो मैं किसके पीछे छुपा बैठा हूँ कि मैं कहा अटैक ना कर रहे भाई, हम जा ही नहीं रहे पास, सच्ची में पट रही है यार भाई, शेर ना गुस्से में है भाई, मैं नहीं जा रहा इसके पास, पकड़ लो वो देख रहे थे ना कर भैया, अपना नंबर आया है, और सच बता रहा हूँ मेरे को तो लग रहा है डर बहुत ज़्यादा, इसको टच करने, बहुत ही हार्ड बॉडी है इसकी, बहुत ज़्यादा टाइट है, पहली बार शेर को टच कर रहा है, और दूसरे वाला उस साइड वाला और बड़ा था, पर शुक्र है, पर ये ज़्यादा एक्टिव है भाई, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेरे कुत्ते से कई गुना बड़ा है, मेरा इतना बड़ा कुत्ता नहीं था भाई। कैन आई टच? भाई साहब बहुत ही सॉलिड पूंछ है इसकी, बहुत ही जबरदस्त, देख रहे हो बहुत ही हार्ड, और ये सच्ची में बंगाली टाइगर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है भाई साहब, इतना ही डर ही लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं सच्ची बता रहा हूँ पहली बार शेर को टच करा, और बाकी वाले ज़्यादा सोल सोलते थे, ये साला ज़्यादा एक्टिव है, इसको मार भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अपने को ज़्यादा फोटो वोटो के चक्कर में नहीं है, अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है भाई साहब, ब्लॉग आ गया तो समझ ले रहे हम जिंदा बाहर आ गए। फटकी फटकी फटकी, ये देखो जतिन भैया जा रहे हैं, और मैं पूरा इसके सामने खा रहा हूँ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा फट रही है इसकी पूंछ, देख लो भाई, मैं सच बता रहा हूँ मेरी हालत हो रही है ख़राब, और ये बार बार सामने जा रहे हैं चंद्र, मुझे लगता है आज इसका कांड हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। और हाउ मच दे ईट टुडे एवरी डे? 1.5 किलो, 2 पीपल्स भाई, रोज़ के 2 आदमी चबा जाती है, मतलब कहने मतलब ये 2 बकरे खाती है, कहाँ पिछवाड़े में घुस रहा है उसके, देखो क्या ही कैमरा साइज़ दे रहा है भाई साहब, पर साइज अच्छा खासा है, उस साइड मेरे ख्याल से टाइगर है, और उस साइड वाला बहुत बड़ा भाई। ओके ओके ओके, मेरी लग रही है फुला, इसको देख कर डर लग रहा है, सांसें देख रहे हो कैसे ले रहा है भाई, मेरी नजर है ना इसी के ऊपर टिकी है, 10 मिनट उसका, 10 मिनट मेरा, और हमें वही भारी लग रहे हैं भाई, 20 मिनट यहाँ गुजारने मुश्किल लग रहे हैं मुझे तो। इंडियन फूड भाई, इंडियन फूड के नाम से हमें डरा रहे हैं भाई, पसीने छूट गए पसीने, और दिल की धड़कन इतनी तेज हो रखी है ना, मुझे मालूम है, मतलब मैं सोचा तो दूसरे शेरों के साथ चुपचाप सुस्त लेट जाएगा भाई साहब, ये तो बहुत अग्रेसिव सी थी, पूरा पार्क का राउंड करते हैं, एग्जिट करना है, और इनको टच नहीं करना है, अभी मेरे को करंट लग गया था। ये पूरा जू है, मतलब इन्होंने बना रखा है, सारी जगह आपके वही है टाइगर, ये देखो बड़े वाला, इनको ना स्पेस बहुत कम दे रखा है। हाँ भाई क्या चाल है, कैसे है, कैसा है, कह रहा सारा कॉमन बात है, तुम रोड आके हमें देखते हो, एक बार मुझे तो बाहर छोड़, मैं बताऊंगा। कितने पिंजरे हैं, सारे के सारे शेर से भरे हुए हैं, ये बड़ा लग रहा है, इसके चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं, देखो, हेलो हेलो ओए, हाँ भाई शेर है ये, इसके वो भी दिख रहे हैं नीचे, ये देखो ये भी बड़ा अच्छा खासा भाई, और ये सो रहा है, हर तरफ शेर ही शेर है, इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है, डरा ही दिया, मेरे को पिंजरे के अंदर डरा दिया साले ने। हाँ वो, अरे भाई शेर ज्यादा अग्रेसिव होते क्या? हेलो कैसा है? इस पूरे मेरे ख्याल से टाइगर जू के अंदर मेरे ख्याल से 50 से ऊपर शेर होंगे, या ज्यादा ही हो सकते हैं। अगर सोचो ये सारे शेर बाहर आ जाए तो हम सारे इंसान एक ही पिंजरे में बैठे होंगे, सबकी पट जाएगी बहुत तगड़े वाली, अच्छे खासे तगड़े शेर है भाई। और यहाँ पे शीशा लगा हुआ भाई, थोड़ा और अच्छे देखने के लिए, ये देखो
सच्ची में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने तो बिल्कुल नहीं करा। आप में से किसी ने करा भैया कमेंट करके बताना, और आपका क्या एक्सपीरियंस था ये भी जरूर बताना। अराउंड 50+ टाइगर यहाँ पे यार, ये छोटा सा एरिया, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा। कायदे से देखा जाए तो हमारे चिड़ियाघर में एक शेर का पिंजरा होगा ना जितना बड़ा, मतलब खुले में छोड़ते हैं, उतने में अराउंड 50 से ज्यादा टाइगर। भाई साहब दिल भी खुश हो गया, मतलब ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, आज तक किया ही नहीं भाई शेर को टच करना, और शेर भी इतना खूंखार था कि पूछो मत यार। मोती, ये अपना भाई मोती है जो पटाया थाईलैंड में है। गुस्से में है? गुस्से में है तो। ओ मोती भैया, ओ मोती भैया कैसे मुतेगा, ये मुतेगा आपके ऊपर। बंगाल टाइगर, चल चुम्मा दे जल्दी इसके अंदर, कैमरे के अंदर चुम्मा दे। हाँ इसके अंदर, नहीं नहीं जतिन भैया नहीं, मेरे मेरे इसमें चुम्मा, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे। मुतेगा क्या? उम्मीद करो मजा आया होगा, कुछ ही का कुछ तरह का एक्सपीरियंस हो, प्लीज शेयर करना, कमेंट करना। चलो रखते हैं इस वीडियो को यही तक, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय गाइस, बाय बाय।